मैं इस वक्त बाराबंकी के जैतपुर विधानसभा में हूँ। यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही हैं और प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत प्रियंका गांधी बाराबंकी की जैतपुर विधानसभा से कर रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक छात्र है और इनके हाथों में आप देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी की जो तस्वीर है, माफ़ कीजिएगा, प्रियंका गांधी की तस्वीर है, लेकिन झलक मिलती है इंदिरा गांधी से। ये कहाँ पर जाता है कि प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी दिखती हैं। और ये जो तस्वीर है ये इन्होंने खुद बनाया है, मैं सही बोल रहा हूँ? जी हम इन्हें बना। क्या नाम आपका? साहिबा फातिमा। तो साहिबा जी, ये बताइए कि प्रियंका जी की तस्वीर आपके हाथ में है, ये आपने बनाया है? जी। क्यों? मतलब प्रियंका गांधी ने जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उससे मैं प्रभावित होकर मैंने ये बनाया है कि वो हम लड़कियों की आवाज़ उठा रही है। कितना समय लगा था इसको बनाने में? एक दिन। एक दिन में आपने इसको बना दिया, इसका मतलब है कि आपकी आर्ट अच्छी है। बनाया जी। ये बताइए कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कहा भी है कि इस बार का जो चुनाव होगा उसमें 40% महिलाओं को सीट देंगे, तो इस पर आपका विचार क्या? बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों को उन्होंने आगे रखा है। आजकल लोग सिर्फ जाति धर्म के बारे में ही बात करते हैं, अब प्रियंका जी ने जो है राजनीति को सही दिशा दी है। अच्छा, ये बताइए कि तमाम महिला राजनेता हैं लेकिन प्रियंका गांधी को ही आपने क्यों चुना? प्रियंका गांधी एक पावरफुल लेडी हैं कि जो है, और सारी लेडीज़ हैं जैसे मायावती जी हैं, मायावती जी लड़कियों की आवाज़ नहीं उठा रही पर प्रियंका जी आवाज़ उठा रही हैं। वो आवाज़ तो अभी चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में 2022 में, इस वजह से वो सक्रिय हैं और आवाज़ें भी उठेंगी, हर पार्टी आवाज़ उठाती है, तो इससे पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाएगी, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। क्या कहेंगे आप? अच्छा ये बताइए कि 2022 में इलेक्शन है यूपी में, जानती होंगी आप ना, 4 से 5 महीने का वक्त बचा है, तो इस बार कांग्रेस पार्टी में क्या बदलाव देखने को मिलेगा आपको? बहुत बदलाव दिखाई पड़ेगा। सर, जिस तरह से आपने ये तस्वीर बनाई है प्रियंका जी की, तो ज़रूर लगाव होगा आपको, तो ये बताइए कि आने वाले समय में, भविष्य में क्या राजनीति में आप जाना चाहोगे, या फिर अगर जाना चाहोगे तो कांग्रेस पार्टी तो ये दिख ही रहा आपके हाथ में कि प्रियंका जी की तस्वीर है आपने बनाई है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में अगर राजनीति में आप जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से आप ज्वाइन करेंगे। जी जी। क्या नाम आपका? साहिबा फातिमा। ये साहिबा फातिमा है और इनके हाथों में जो प्रियंका गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं ये इन्होंने खुद बनाया हुआ है और कल ही इन्होंने बनाया हुआ है। और जिस तरह से एक जो नारा दिया गया है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उससे ये प्रभावित हुई है और प्रभावित होकर इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर बनाई है।